कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी कार्यकारी समिति के लिए बुधवार को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को अध्यक्ष प्रेसिडेंट और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय को उपाध्यक्ष चुना गया। प्रदीप राय लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष चुने गए हैं। कई चीजें जो पहले से हो रही थी उनको आगे बढ़ाना है, जैसे कि हमारी मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा एयर टिकट डिस्काउंटिंग स्कीम है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का के अलावा कंफर्मेशन टिकट्स के वो स्कीम है हमारी। इसके बाद हमारा एजुकेशनल एकेडमिक एक्टिविटीज़ है हमारी, फिर हमारी आर्बिट्रेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया करना है और पूरे साल का जो कैलेंडर है वो हमारा पहले से ही तैयार है कि कैसे हमें काम करना है। बार को अपनी आमदनी खुद जनरेट करनी चाहिए और वो जो आमदनी बार की है उससे सारे मेंबर्स का ख्याल हो जाता है। अगर आप बार के मेंबर्स का ख्याल नहीं कर सकते और सीनियर्स के ऊपर हाथ फैलाते रहेंगे तो उससे बहुत कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो हमारी पहली कोशिश ये है कि सीनियर्स के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, बार अपनी आमदनी ऐसी कर ले कि बार की आमदनी से ही बार का काम चल सके। प्रदीप राय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वरिष्ठ अधिवक्ता सुकुमार पटजोशी को हराकर करीब 970 मत प्राप्त किए। वहीं सुकुमार पटजोशी को करीब 711 मत प्राप्त हुए। बार एसोसिएशन के चुनाव में SCBA के 1850 से अधिक सदस्यों ने मतदान किया था। उपाध्यक्ष पद के लिए सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय, सुकुमार पटजोशी और एडवोकेट एस सदाशिव रेड्डी मैदान में थे। प्रदीप राय के विजय होने पर वकीलों में खुशी दिखी। इन्होंने जो काम किया वो आज तक के हिस्ट्री में किसी वाइस प्रेसिडेंट ने नहीं किया था। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। ये पॉजिटिव सोच रखते हैं और पॉजिटिव काम करते हैं और इसी में विश्वास रखते हैं और इसी के लिए जीते। देखिए, यहाँ पे जो ना व्यक्तित्व के लोगों का जो चुना हुआ है, अच्छे व्यक्तित्व में विद्वान लोगों ने चयनित किया है। इसमें विद्वान लोगों में भी प्रदीप राव और विद्वान है और उनको जीत की हम बधाई देते हैं। वो बहुत ही विस्तृत तरीके से सोचते हैं और सबके कल्याण की बात करते हैं। ये उनमें बहुत ही अच्छाई है जो बार को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। पिछले साल के चुनाव में प्रदीप कुमार राय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी SB उपाध्याय को 369 मतों से शिकस्त दी थी। सचिव पद पर एडवोकेट राहुल कौशिक ने वर्तमान में सचिव अर्दु मौली कुमार प्रसाद को हराया। इस मुकाबले में राहुल कौशिक को 560 जबकि अर्दु मौली कुमार प्रसाद को 416 वोट प्राप्त हुए। संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य और कार्यकारी सदस्य के पदों पर भी चुनाव संपन्न हुए। ब्यूरो रिपोर्ट।